ऐसा सब लोग आ रहे हैं, चलो 3 2 1 हेलो। अच्छा क्या नाम है आपका बताओ? जानवी। अरे वाह, कौन सी क्लास में? 8th में? 6th में हो आप? यार अब लगते तो 8th के। 6th में आ गए? अरे वाह, तो ये पूरी 6th की क्लास है? अरे अरे वाह यार, आप लोग तो कितने बड़े बड़े लगते हो यार। अरे वाह, तो फिर जब भी बिट्टू भैया फर्स्ट टाइम स्कूटी चला रहे हैं, यूटर्न मार के लाएगा हीरो गति। इसके पीछे भाग भाग के हम थक गए, घूम के आ रहा है। फ्रेंड्स अभी हम लोग मेले में पहुंच चुके हैं एंड यहाँ भी ये देखो जरा, मतलब कितनी पुरानी वाली मतलब यादें ताज़ा होगी। ये जो ना मतलब यहाँ भोपाल के जो MP के स्पेशली ये जो आर्ट्स रहते हैं ना, ये सभी लोग अपने घर में शो पीस यूज़ करते हैं। तो देख रहे हो ये सारे जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी आर्ट्स होते हैं। एंड ये पूरा मेला, पूरे मेले में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है भाई, वेराइटी। मतलब मेला जो है ना जहाँ का भी लगता है ना सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है? भोपाल में कहीं भी अगर लगता है सबसे बेस्ट मेला। देखो इतनी गर्मी हो रही थी कि ये लोग कूलर के सामने खड़े हो गए। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ जो फ्रेंड्स है ना, मेले में सब कुछ होता है, कपड़े लगते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी सोफा कवर्स होते हैं, मामा सोफे कवर, अरे इवन देखो खाने का यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत कुछ है यार यहाँ पे, तो देख रहे यहाँ पे जो ठंडियों की टोपियाँ और उसके बाद जितने भी ठंड के एक्सेसरी रहते हैं ना, सॉक्स, कैप और ग्लव्स, जितने भी सब कुछ यहाँ पे है, देख रहे हो? इवन वो तक आ गया, थर्मल भी आ गया यहाँ पे। एंड ये जो है ना, ये मेले की सबसे फेवरेट शॉप होती थी मेरी बचपन में, बिकॉज यहाँ पे मिलता था यहाँ पे अलग अलग प्रकार के माउथ फ्रेशनर्स, ठीक है? ये आम पापड़, फिर उसके बाद यहाँ पे खूब सारी अलग अलग टॉफीज, ऐसा वहाँ इनऑर्बिट में भी लगता है, बट इनऑर्बिट का ना काफ़ी ज़्यादा अलग वाला मेला है वो, ये वाला जो है ना जिसमें रियल वाइब आती है, रियल फील होता है ये वाले मेले में। फ्रेंड्स ये देखो अभी हमारे नन्हे सब्सक्राइबर मिले हैं, इनका नाम है पीयूष और ये अभी 4th क्लास में, एंड इन्हें आज बहुत अच्छा लगा, हम अंकल आंटी उनके भैया सभी से मिले। एंड कुछ आपको मैसेज देना है व्लॉग में? बोलो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अब आप भी व्लॉग में आओगे आपको पता है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना सब्सक्राइब करें, ठीक है? ओके चलो बाय, थैंक यू। अच्छा हाई फाई दे दो, क्या नाम है आपका? आज आपको कौन सी क्लास में वैसे आप? आज आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस था? हाँ। अरे वाह यार बहुत प्रीटी लग रहे हो यार अभी भी, आ जाओ फोटो ले लो, आ जाओ। हाय क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आस्था। आस्था, अरे वाह, आ जाओ जाओ फोटो ले लो। अभी हमें यहाँ पे हमारे और सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ये बड़ी प्यारी, क्या नाम आपका? अनन्या ना, एंड आपका? अनुष्का। अनन्या एंड अनुष्का, कौन सी क्लास में आप दोनों? 5th में। आप 5th में और आप 1st में हो? अरे वाह बहुत, आप दोनों बहुत क्यूट हो यार, थैंक। ठीक है आप लोग हमारे व्लॉग में आने वाले, आपको पता है? okay. हाँ ठीक है, तो व्लॉग जरूर फॉलो करना, ठीक है? चलो बाय बाय। ये देखो यहाँ पे देखो झूले लगे हैं, तो बिट्टी को जो है झूला करना है यहाँ पे, और साथ में ये देखो यहाँ पे पूरा खाने का स्टॉल लगा है, देख रहे हो? यहाँ पे पूरा खाने का स्टॉल लगा है और यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस चल रही है अलग अलग। फ्रेंड देखो यहाँ पे एक ही झूला है, ये वाला जो सबसे बड़ा है, तो अभी यही वाला हम कर रहे हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ फोन तो ऊपर लेके जाऊँ, बट यार कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मम्मी को नीचे देके जाऊंगा, फोन बैग सब कुछ नीचे देके जाऊंगा। तू भी अपना बैग देके जा भाई। फ्रेंड्स अभी हम लोग झूले में बैठ चुके हैं, इंडिया। फ्रेंड्स अब डर लग रहा है बहुत, भाई भाई मैं बता कुछ नहीं, बदल
भैया बहुत डर लग रहा है, थोड़ा 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 डर लग रहा है। फिर उसके बाद हमने खाए कॉटन कैंडी। Hey everyone, welcome back to our channel. So, अभी हो रहा है करेक्ट 6:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। अभी हमारी सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और अभी हमारी 9 बजे की फ्लाइट है, तो अभी हम निकलेंगे। अभी नहीं, हम 7 बजे निकल जाएंगे करेक्ट 7 बजे, और हमें बाहर के थोड़े इतने से काम करने, तो हम वो करके भी निकल जाएंगे। तो बस अभी सारा हम देखते हैं क्या क्या पैक और करना है, तो एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड जल्दी से अभी हम लोग कार में बैठते हैं। अभी करेक्ट टाइम हो रहा है 6:45। अभी चलो बैठते हैं और एयरपोर्ट पे आपसे मिलते हैं। सारा सामान रख लिया चलो ठीक है, चलो। चलो फ्रेंड्स, अभी हमने ट्रॉली में सारा सामान रख लिया, पापा भी जा रहे हैं। हाँ चलो बेटी, चलें। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, हमने हमारा सिक्योरिटी चेक इन भी करा लिया है और अभी हम लोग हैं यहाँ पर, बस अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। कुछ ही मिनट बाकी रहेगा, हमारी 8:45 से चेक इन शुरू होगा। 8:42 हो गया, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। बोर्डिंग तो हमारी 8:45 से थी। आराम से चलो, मज़े मारते हो। बेटी देखो चॉकलेट खा रही है यहाँ पर। इसका पता बैग रुकवा दिया था, पता है क्यों? क्योंकि इसके बैग में चॉकलेट्स मिली थी। हाँ, चॉकलेट्स की नहीं, ज्वेलरी वाली बात नहीं भाई, ज्वेलरी तो बहाना था। उन्होंने बोला भाई चॉकलेट है इसके अंदर, निकालो सारी। सबसे लास्ट में चॉकलेट दी, उन्होंने कहा था यार काश भूल जाए तो हम ले लें इसकी चॉकलेट, है ना। आप लोग हैं? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग खाना खा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हमें भूख लग रही थी एंड मैं तो मैगी खा रही हूँ। हाँ, तो मैं मैगी खा रही हूँ अभी। तो चलो, जब फ्लाइट में बैठेंगे तब मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी बोर्डिंग भी हो चुकी है और अभी हम लोग प्लेन में जा रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। सो अभी हम लोग जो अपनी सीट नंबर्स पर बैठ चुके हैं एंड अभी जो है वैसे टाइम हो रहा है 9:15 और डिपार्चर होगी हमारी फ्लाइट 9:30। बेटी इंडिगो में तो कुछ भी नहीं मिलता यार। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये तो ब्लाइंड फोल्ड लगा के सो गई। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये वाला ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हम लोग लाइक काफ़ी टाइम रुके यहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मतलब इस बार जो हम भोपाल आए थे, जो है पहुँच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है मुंबई एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बस चलो अभी चलते हैं। मेरे को लग रहा है हमारा जहाँ से गेट एंट्रेंस है, जहाँ पर हमारी बेल्ट है, बहुत दूर है यहाँ से। बिकॉज हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो लास्ट टाइम भी यहीं निकले थे, तो वापस जो हम लोग वहीं निकले जो गेट था एंड अभी बेल्ट जाने में बहुत दूर, लाइक बेल्ट जो है हमारा बहुत दूर है ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने हमारे बैग्स भी ले लिए, एक बैग आना बाकी है, तो बस अभी हम ये सारा लेके कैब वगैरह करेंगे एंड फिर कैब में बैठने के बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम लोग घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। फाइनली वी आर इन मुंबई वाला घर, और अभी हम लोग आ चुके हैं।
अभी सबसे पहले तो पता है यहाँ पे आके मुझे अपना वाईफाई रिचार्ज करना है, फिर उसके बाद पता है अभी मेरे को बहुत सारे काम है। इट्स टाइम राइट नाउ 1 AM करेक्टली, ठीक है। तो आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। अभी तो यार बहुत नींद आ रही है, भूख तो ऐसे लग नहीं थी। वैसे तो हम लोग घर से खाना बना के लेके आए थे वहीं भोपाल से, वहाँ से मम्मी ने जो पूड़ी और आलू की सब्जी बना ली थी, ताकि क्या है यहाँ पे क्या है अभी प्रॉपर हमें सारा गैस वैस ऑन करना पड़ता है, राशन अभी हमने ऐसा कुछ भरा नहीं है ग्रोसरीज, तो अभी हमें वापस वो भी पूरा देख के कल जो है वापस लाना पड़ेगा मार्केट से। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि वहीं भोपाल से हम लोग बना के ले आते हैं, ताकि रात में एज सच कुछ खा के सो पाए। बिकॉज क्या है ना यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना, वैसे यहाँ पे 24 hours तो जोमैटो ऑन रहता है, ठीक है, बट यार जोमैटो का खा खा के बोर हो चुके हैं। इस वजह से मम्मी ने जो पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी वो पापा के लिए बनाती थी और यहाँ के लिए बनाती थी।